हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टाइप वन एंड टाइप टू एरर तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है देखिए हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि एजम्पन यानी कि आपको कोई चीज टेस्ट करनी है तो उसके लिए आप जो है एक एजेंप्शन बनाते हैं और उस एज्शन को टेस्ट करते हैं सपोज करके हम टेस्ट करते हैं कि ड्रिंकिंग सुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू बिंग ओवर यानी कि अगर आप मीठी मीठा ड्रिंक आप डेली पियेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ये हमने एक एजम्पन ले लिया अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही है नहीं है तो अब इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल है ड्रिंकिंग सुगरी और ओवरवेट uh, ये दोनों वेरिएबल हैं तो अगर हम ये मानते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो ये क्या होगा नल हाइपोथिस होगा नल हाइपोथिस के उसको कहते हैं कि देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इन दाइपोथिस वहीं पर अल्टरनेट हाइपोथिस जिस जिसका अपोजिट हो जाता है वो क्या कहता है कि उनके बीच में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अगर देर इज नो रिलेशन तो वो हो जाता है नल हाइपोथेसिस वहीं पे अगर कोई रिलेशन रिलेशनशिप हो, हो रहा है तो वो हो जाता है अल्टरनेट हाइपोथिस तो देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इन द हाइपोथेसिस तो उसको हम क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस जैसे कि देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ वाटर आई फीड द फ्लावर एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लावर्स यानी कि जो हम पानी डालते हैं फ्लावर में और उसके फ्लावर की ग्रोथ पे कोई भी रिलेशन नहीं है तो अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नल हाइपोथेसिस हाइपोथिस और नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जीरो से किससे एच जीरो से वहीं पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ वाटर आई फीड द फ्लावर एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लावर तो क्या हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी ए हाइपोथेसिस यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच स्टेस दैट देर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सेट ऑफ वेरिएबल्स यानी

कहता है फॉल्स होता है लेकिन फिर भी आप जो उसको क्या करते हो उसको रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस वो फॉल्स फॉल्स था टेस्ट किया आपने था और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो यहां पे डिसीजन क्या होगा आपसे पूछा जाए कि आपका जो नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या होगा करेक्ट डिसीजन होगा तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था फिर भी आपने क्या किया रिजेक्ट कर दिया फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया रिजेक्ट कर दिया तो यह चीज क्या कहलाएगी ये एरर कहलाएगी यानी गलती कर दिया आपने कि सही था फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया

टाइप टू एरर कहलाएगा क्लियर टाइप टू एरर तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि अब सपोज करें कि आप जो है कोविड नाइन्टीन जो है माइल्ड सिम्टम के बेसिस पे टेस्ट करवाने जाते हैं कोविड नाइन्टीन और यहाँ पे क्या आता है कि अब दो एरर हो सकते हैं पहला कि द टेस्ट रिजल्ट सेज दैट यू हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डोंट यानी कि टेस्ट रिजल्ट ये कहता है कि आपको कोरोना वायरस है लेकिन जो एक्चुअली आपको नहीं है तो ये क्या हो जाएगा टाइप वन एरर जिसको हम फाल्स पॉजिटिव भी कहते हैं क्या कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं वहीं पर टाइप टू एयर क्या हो जाएगा द डेस्ट रिजल्ट सेज यू डोंट हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डू यानी कि टेस्ट रिजल्ट यह कहता है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है लेकिन आपको कोरोना है तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं टाइप टू एयर कहते हैं इसको हम फाल्स नेगेटिव भी कहते हैं और डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई बीटा क्लियर तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के एरर को ही हम टाइप ओन एरर या टाइप टू एरर कहते हैं टाइप ओन एरर को अल्फा से टाइप टू एरर को बीटा से डिनोट करते हैं टाइप वन एरर कब आएगा जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया टाइप टू एरर कब आएगा जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो होप आपके डाउट क्लियर होंगे यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग